आज SKM91 न्यूज पहुंचाएगा आवाम तक। हर अहम खबरों के लिए SKM91 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बेगमपेट मनोहर होटल में यूनिक सेंटर में वुमेन फैशन शो के सीजन 3 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वुमेन फैशन शो के CEO संतोष कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस फैशन शो का मुनाफा चैरिटी ट्रस्ट को जाएगा, जो मजबूर लोगों को मददगार साबित होगी। आइए नाज़रीन सुनते आगे की तफसीलात वुमेन फैशन शो के CEO संतोष कुमार की जुबानी। हमारी नुमाइंदा रिपोर्टर जहांगीर की एक खास रिपोर्ट पेश है। SKM91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, मैं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट SKM91 न्यूज। मेरा नाम संतोष है, संतोष कुमार वेदला, और ये कंपनी का CEO हूँ मैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य है मी वुमेन फैशन शो, ये तीसरा चल रहा है ये वाला। इससे पहले एक हुआ था, उसके बाद दूसरा, अब ये तीसरे में है हम अभी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, इनसे जो भी पैसा निकलेगा वो क्या बोलते ना, गरीब लोग बोल के नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ट्रस्ट, एक फाउंडेशन, एक चैरिटी को जो भी पैसा लगता है यहाँ से, जो भी मुनाफा आता है यहाँ से, वो मुनाफे का क्या है ना, जितना भी पैसा लगता है, पैसा उन सभी को दिया जाता है एक प्रॉपर सिस्टम के तहत। और रहा सवाल यहाँ पे जो दो कंपनी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए क्या है ना, चाहिए बहुत सारे मित्र हैं, वो मित्र क्या है ना, उनका आभारी हूँ मैं पूरी तरह से। एक यूनिक सेंटर क्यूको प्राइवेट लिमिटेड और मिस्टर बिल्डर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट एंटिटी है, और एक दोनों भी प्राइवेट एंटिटी है, और एक प्रोप्रेटरी कंसर्न है जैसा मिस्टर बिल्डर है। ये जो छोटे जो एंटिटीज है ये वाले, ये कभी पहले शुरुआत हुआ था 2010 में, आज कण कण से लेके क्या बोलते यहाँ तक आ गए हैं पूरी तरह से। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपना खून पसीना मेहनत निकाल के इसके अंदर लगाए। तो ऐसे एक संस्था से जुड़ने के लिए और जुड़ना मैं बहुत ही पसंद करूँगा। जो हमारा भी सोच है, जो हमारा विचार है, जो भी हमारा ज्ञान है, अगर इसके साथ अगर क्या है ना, बेरोजगारी में अगर 1 या 2% की फीस से क्या बोलते कम हो जाएगा, तो बस यही उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कंपनी का। और यूनिक सेंटर क्यूको प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ये क्या है ना, एक इंटरनेशनल इनबाउंड प्रोसेस है ये वाला, जहाँ पे नौकरियों का जब तक हम देख रहे हैं, हमको चाहिए करीबन 15,000 से लेकर 17,000 लोग तक, और 21 राज्यों में चाहिए, ये देश के 21 राज्यों में चाहिए। और यहाँ पे हैदराबाद में शुरू हो चुका है काम, और बाकी जितने भी 21 राज्य हैं यहाँ पे, बाकी 20 राज्यों में क्या बोलते इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है ना, वो पूरा लग चुका है वो। तो हम बस ये देख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी आज सामने है, और एड्रेस जहाँ तक है हमारा PSR होम्स DLF के एकदम एडजेसेंट जो है गच्चीबोली के अंदर, 5th फ्लोर ऑक्यूपाइड है उसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी आगे आए और अपना जो हुनर है वो सामने दिखाए पकड़ के। मैं चाहता हूँ कि बस इसके लिए क्या है ना, MTech BTech क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जो भी पढ़े लिखे हैं वो बस अगर अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छी तरह से ट्रेनिंग सपोर्ट है, यहाँ पे आगे बढ़ने का क्या बोलते जुस्तजू है, और यहाँ पे इतने एक्सपर्ट्स का इतने अच्छे टीम है, यहाँ पे हम क्या ना एक परिवार की तरह क्या बोलते मिलजुल के करते हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट से बातों में बोलना नहीं है, हम चाहते हैं कि करीबन 65% यानी 60% कम से कम क्या है बोलते ना, लड़कियाँ जो पिछड़े वर्ग के है पूरी तरह से, वो आगे आए, अपने आप को क्या बोलते अपने बलबूते अपने पैरों पर खड़ा करे पूरी तरह से। इसके लिए जो भी आश्वासन रहेगा, जो भी उसको सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट के लिए क्या है ना, हम पूरी तरह से क्या बोलते पूरी तरह से चेयरमैन के साथ, जो टीम के साथ, CEO के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, सभी लोग इनके साथ जुड़ के काम करने को तैयार हैं। और जहाँ पे यहाँ पे जो भी घर से बहन बेटियाँ जो भी निकल के आएंगे, वो हमारा जैसा परिवार रहता है, हमारे पास भी वही परिवार का माहौल रहता है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि एक जैसा मौका यहाँ पे, सुनहरा मौका मिल रहा है,
65% यानी करीबन 60 से लेकर 65 तक का जो भी लड़कियां हैं आगे बढ़े, जो पीछे हुए वर्ग हैं कहीं पे क्या है ना जुर्मी बैठे हैं पूरी तरह से। मैं चाहता हूं उनके हैदराबाद से कोने कोने से शहर के गली गली के अंदर से एक बार आए, अपने आप को पहचान दे पकड़ के। और यहां पे ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक टेलीकॉलर बन के रह जाएंगे, जो मुकाम है एक टेलीकॉलर से लेके एक मैनेजर तक एक अहदा है यहां पे। जब आपको यहां पे मौका मिल रहा है, ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का मौका मिल रहा है, यहां पे जो भी है यानी धीरे धीरे जो भी कॉर्पोरेट के पैरामीटर्स हैं वो उनको गिनते हुए देखते हुए ठीक है उसके बाद आगे बढ़ेंगे वो। और बाकी जो उसका जो एचआर कंडीशन जो भी रहेगा वगैरह ऑफिस में बात कर सकते हैं। कुमार बेदला है, इसी के अंदर दूसरी कंपनी का नाम है मिस्टर बिल्डर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये एक इन्वेस्टमेंट कल्चर, एक जॉइंट वेंचर, एक इन्वेस्टमेंट फंडिंग है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी बिल्डर हैं, एक बार हमारे दरवाजे तक आए और अपना जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके बारे में उनको बताए, ताकि क्या है ना आपस से मिलकर जोड़ के क्या बोलते हैं कुछ ऐसा मुकाम हासिल करें। क्योंकि कोरोना के बाद जो भी हासिल अभी तक हुआ है पूरी तरह से क्या बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच चाहिए हैदराबाद के अंदर। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बैंक्स है, जो जो फंडिंग्स है बाहर के, उससे वहाँ से लेके कंपेयरिंग करेंगे तो थोड़ा अगर कंपेयरिंग है तो ब्याज का जो दर रहेगा वो कम रहेगा। और यहाँ पे जो किश्ती भरते हैं वो हम साल के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे जितने भी कंडीशन है, जो भी एडवांटेजेस है, बाकी तौर से क्या बोलते हमारे बहुत अच्छे हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी व्यापारी लोग हैं एक बार हमारे ऑफिस से तफसील लगाए, बस यही आश्वासन लेके। थैंक यू। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए मोहम्मदिया मंदी हाउस। तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806262।